मोहाली में 5 मई को गांव मटोर स्थित किराए के मकान में मिले महिला के शव के मामले में महिला की पहचान हो गई है और इसके कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला का नाम रूपा था और वह मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी, जिसका कत्ल उसके ही पति राजेश यादव द्वारा बहुत ही बेरहमी के साथ करवाया गया। पुलिस ने आरोपी राजेश यादव को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। उन इन दोनों के 3 बच्चे भी है, जो माँ के कत्ल और पिता के जेल जाने की वजह से माँ बाप के प्यार से वंचित हो गए हैं। रमेश यादव ने अपनी मिसेज का कत्ल किया सी। उन्होंने अपनी मिसेज पर शक सी के मेरी मिसेज के बाहरले बंदे नाल संबंध है। वो कुछ टाइम पहला घर तो बाहर भी चल गई सी, फिर काफ़ी टाइम बाद वापस आई। फिर इन्हें उदे इस करैक्टर के करके उदा कतल किया। पहला उदा गला कुटिया हाथ नाल, उदे बाद च उन्हें गले नाल चुन्नी दुआ की, उदे बाद हाथ बन के चल गया ताकि जींदी ना रह जाए बाहरों जंदा ला के जी। ते फिर हुण इहनूं कित्थों अरैसट किया? असीं इत्थों अरैसट किया, किसी ने साडे कोल केस किया लिया के असीं रेड किए सी इत्थे बिहार दे विच। बिहार विच असीं दबाव पाया, इन्हां दे 3-4 पार्टियां भेजिया सी, उन्हां ने सानूं कहा था कि असीं केस करांगे, उन्हां नाल साडे कोल केस कर। ते हुण इहदा रिमांड लिया तुसीं ते कोर्ट पेश कीता? हाँ जी, असीं कोर्ट पेश करके इहदा पुलिस रिमांड लिया, बाकी हुण असीं तफ्तीश करदे हां इहदे नाल कोई हैगा सी जां नहीं हैगा सी उहदे अगे। हाली से मेजर अली, पंजाब टीवी।